नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा शेंडे। आइए नजर डालते हैं खबरें फटाफट पर। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने 18वें एशियाई खेलों में महिला एकल स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही सिंधु एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई है। बता दें, सिंधु ने सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी पुरानी प्रतिद्वंदी जापान की अकाने यामागुची को मात देकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। अब फाइनल में उनका मुकाबला वर्ल्ड नंबर एक चीनी ताइपे की खिलाड़ी ताइजू यिंग से होगा। गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला 28 अगस्त को खेला जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद अब उनकी अस्थियां देश भर की प्रमुख नदियों में विसर्जित की जा रही है, जिसके लिए बीजेपी नेता अटल जी के सम्मान में राजधानियों, जिलों और तालुकों में कलश यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन अस्थि कलश यात्रा की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो बेहद शर्मनाक है। दरअसल अस्थि कलश यात्रा के दौरान बीजेपी नेता से लेकर मंत्री तक शोक सभा में हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए हैं, तो कोई सिर पर कलश लेकर फोटो सेशन करवाते हुए दिखे। आरएसएस अगले माह में होने वाले अपने कार्यक्रम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और नेता सीताराम येचुरी को निमंत्रण भेजने की तैयारी कर रहा है। आरएसएस का एक कार्यक्रम अगले महीने 17 से 19 सितंबर तक चलेगा। इसमें भविष्य का भारत कार्यक्रम के तहत कई अन्य राजनीतिक दलों को आरएसएस न्योता भेजेगा। साल 2002 में साबरमती एक्सप्रेस को जलाए जाने के मामले में एसआईटी कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए 3 लोगों को बरी कर दिया है, जबकि 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें, 15 साल पहले 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में 59 लोगों की आग में जलकर मौत हो गई थी। ये सभी कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। इमरान राज के बाद पहली बार लाहौर में होगी भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते के तहत 115वीं बैठक, जो इसी महीने के आखिरी हफ्ते में रखी गई है। इसमें भारत की ओर से कमिश्नर पीके सक्सेना प्रतिनिधित्व करेंगे, वहीं पाकिस्तान की ओर से सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह अगुवाई करेंगे। बता दें, सिंधु जल समझौते के तहत 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज समेत पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी आता है। 10 दिन पहले ही देश के रिटेल दिग्गज फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर किशोर बियानी ने अपनी 10% हिस्सेदारी बेचकर 28,000 से 3,000 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला लिया था, जिसे लेकर दुनिया के रिटेल दिग्गज जैसे गूगल, अमेजन, अलीबाबा और वॉलमार्ट के बीच इस हिस्सेदारी को हासिल करने की होड़ लग गई है। साथ ही रिटेल की दुनिया के जानकारों का दावा है कि इस डील से भारत में रिटेल कारोबार का भविष्य तय होगा। मोदी सरकार 3 मूर्ति भवन के भीतर ही देश के सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ा एक संग्रहालय बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लेकर 3 मूर्ति भवन स्थित नेहरू मेमोरियल से किसी तरह की छेड़छाड़ न करने का आग्रह किया है। मनमोहन सिंह ने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं बल्कि पूरे देश के नेता थे। आपकी सरकार एजेंडे के साथ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की संरचना में बदलाव करने में लगी है, इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ऐसा ना करें। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भारत और आसियान क्षेत्र के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए वियतनाम और कंबोडिया के 4 दिवसीय दौरे पर है। सुषमा ने वियतनाम में कहा कि दुनिया में कहीं भी प्रवासी भारतीय यदि किसी मुश्किल में फंसता है तो उसके एक ट्वीट करने पर विदेश मंत्रालय मदद के लिए तैयार रहता है। गौरतलब है कि वियतनाम में सुषमा स्वराज हिंद महासागर सम्मेलन के 4th संस्करण का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वह 16वें संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता भी करेगी, जिसमें उनके साथ वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री फाम बिन्ह मिन्ह शामिल होंगे। अमेरिका में फ्लोरिडा के जैक्सन विले शहर में एक एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स में हुई गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस के मुताबिक इस गोलीबारी में एक संदिग्ध भी मारा गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 11 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक गोलीबारी एक वीडियो गेम टूर्नामेंट के दौरान हुई। सस्ती उड़ान सेवा देने वाली कंपनी स्पाइसजेट ने आज देश की पहली जेव जेट ईंधन से चलने वाली बॉम्बार्डियर Q-400 विमान के जरिए उड़ान का परिचालन किया। देहरादून से रवाना होकर उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। इस उड़ान के लिए इस्तेमाल ईंधन 75% एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF और 25% जेव जेट इंजन का मिश्रण था। राजधानी दिल्ली के जनकपुर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल छात्रा को चानन देवी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पिता को सबसे बड़ा गम है कि आंखों के सामने ही घटनास्थल पर लाली बेटी ने दम तोड़ दिया और अपनी बेटी को बचा ना सके। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। नदियां उफान पर है और 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं
हल्द्वानी घाट में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला है। हालांकि 24 घंटे नदी किनारे तैनात पुलिसकर्मियों ने बचा लिया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां विभिन्न इलाकों में वर्षा जनित हादसों में कल शाम तक 24 लोगों की मौत हो गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का डेरा प्रमुख गुरमित राम रहीम की करीबी रही हनीप्रीत की डायरी डिकोड करने में कामयाबी मिल गई है। इसमें डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी देश विदेश की करोड़ों रुपए की कई संपत्तियों का खुलासा हुआ है। बता दें पिछले साल सितंबर में पुलिस ने हनीप्रीत के पास से डायरी बरामद की थी। इसे डिकोड करने में ईडी को 11 महीने का वक्त लगा है। गुरमित राम रहीम साध्वियों से यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। हनीप्रीत भी पंचकुला में दंगा करवाने के आरोप में अंबाला जेल में बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रक्षाबंधन के मौके पर ट्विटर पर 55 महिलाओं को फॉलो किया। साथ ही ट्वीट कर देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी थी। इनमें बैडमिंटन खिलाड़ी अश्विनी पोनप्पा, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और एथलीट पीटी उषा, पूर्व मिस इंडिया और बाल अधिकार कार्यकर्ता स्वरूप का नाम शामिल है। साथ ही कई महिलाओं ने इस मौके पर मोदी का शुक्रिया अदा किया और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। मोदी ने रविवार को अपने आवास पर रक्षाबंधन भी मनाया था। इस दौरान कई स्कूली बच्चों और महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी। विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने को लेकर सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने अगली सुनवाई 3 सितंबर को तय की है। दरअसल 9000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण के कथित धोखाधड़ी के मामले में कुछ और लोगों ने खुद को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया है, जिसके मद्देनजर अदालत ने सुनवाई आगे बढ़ा दी है। अब तक बॉलीवुड की पहचान बना रहा राज कपूर का आरके स्टूडियो बिकने की कगार पर है। लेजेंडरी एक्टर रहे राज कपूर ने 70 साल पहले मुंबई के चेंबूर में इस स्टूडियो को बनवाया था। कपूर परिवार के अनुसार ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि फैमिली के सभी लोगों की इस स्टूडियो के साथ खास यादें जुड़ी है। आपको बता दें कि आरके स्टूडियो की गणपति पूजा भी काफी मशहूर है। राजधानी से सटे शिक्षा के हब कहे जाने वाले ग्रेटर नोएडा से नाबालिग किशोरी से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राह चलते छात्र को गाड़ी में डालकर पहले अगवा किया गया। बाद में स्विफ्ट कार सवार 3 दरिंदों ने नवी की छात्रा से चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों छात्रा को चलती कार से सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। पीड़िता के परिवार ने तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने छात्रा को मेडिकल के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को केरल के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे, जहां वह बाढ़ प्रभावित इलाकों के राहत शिविरों में जाएंगे और लोगों की मदद कर रहे स्वयं सेवियों से मुलाकात भी करेंगे। बता दें केरल में भयावह बाढ़ को देखते हुए हाल ही में राहुल गांधी ने पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों को निर्देश दिया था कि अपना 1 महीने का वेतन लोगों की मदद के लिए दे। भारतीय नौसेना ने मूसलाधार बारिश एवं बाढ़ से प्रभावित केरल में फंसे करीब 17,000 लोगों को बचाया, जानकारी एक रक्षा प्रवक्ता ने सोमवार को दी। उन्होंने कहा अद्भुत कौशल एवं साहस दिखाते हुए नौसेना ने हजारों लोगों को बचाया। इनमें से 1,173 को हवाई मार्ग के जरिए निकाला गया, जबकि 15,670 को दल ने जैमिनी नौकाओं की मदद से बचाया। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का कहर जारी है। पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश की वजह से विभिन्न क्षेत्रों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुलों के ऊपर से पानी की तेज लहरें बह रही है। इनकी वजह से कई जगहों पर हादसे होने की खबरें आ रही हैं। तेज लहरों के बीच एक ट्रक उफंदी नदी में फंस गया। रेस्क्यू कर बचाई गई 3 लोगों की जान। अभी की खास खबरों बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।